वन वेलकम बैक टू माई चैनल कलरफुल थ्रेड्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारी सी लेडीज जैकेट की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है और इसका बॉर्डर भी देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ है बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे बनी हुई है जैकेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ऑल ओवर डिज़ाइन पड़ी है आगे से लेके पीछे तक पूरी मैंने इसमें डिज़ाइन डाली है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है वी गला बनाया है मैंने इसमें और वी गले का शेप आपको किस तरह से देना है कैसे इसकी कटिंग करनी है ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया है तो आप इसको पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए देखें तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा क्रोशिया से बनी हुई ये जैकेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास क्रोशिया की जैकेट बनाने के लिए तो मैंने आप लोगों के लिए ये जैकेट बनाई है आई होप आपको ये जैकेट जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको जैकेट कैसे लगी ये जो जैकेट है फ्रेंड्स ये मीडियम साइज़ की बनी हुई है आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं बड़ा या छोटा कोई भी साइज़ हो आप इसे बना सकते हैं बहुत ईजी पैटर्न है और जिस तरह से मैंने इसमें बताया है आप इसको किसी भी साइज़ में अप्लाई कर सकते हैं कैसे आपको आगे के पल्ले में और कैसे पीछे के पल्ले में डिज़ाइन अप्लाई करनी है स्टेप बाय स्टेप सब मैंने बताया है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना देखें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पीछे का पल्ला बना के बताऊंगी पीछे का पल्ला हालांकि मैंने बना के रखा हुआ है बट आपको मैं इसमें ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन को अपने पल्ले में अप्लाई करना है डिज़ाइन जो है वो नाइनटीन के मल्टीपल में पड़ती है मीन्स यहाँ से अगर आप डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो एक बार ये ये जो डिज़ाइन है बीच की देख रहे हैं आप ये आधे डिज़ाइन मीन्स आधा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जब सारी डिज़ाइन्स ये इस तरह से बनाते हुए हम चलते हैं तो यहाँ पे ये जो आधा पार्ट है इसका ये एक डिज़ाइन इतना कहलाता है ये इतना एक डिज़ाइन हो जाता है जस्ट उसी के बगल से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होती है फिर से नाइन्टीन अगेन उसके बगल से फिर से नाइन्टीन फिर से नाइनटीन और फिर से नाइन्टीन तो मैंने यहाँ पर नाइनटीन के मल्टीपल्स में एक दो तीन चार और पाँच पाँच बार मैंने नाइनटीन के मल्टीपल्स में चेन ली है और उसके बाद फिर डिज़ाइन को अप्लाई किया है तो छोटे में मैं थोड़ा सा बताऊँगी आपको पूरे पाँच डिज़ाइन न बता के मैं तीन डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपको ये वाले डिज़ाइन फिर आगे कंटिन्यू करनी है तो अंदे आपको कैसे लेने हैं नाइन्टीन का मल्टीपल मीन्स नाइनटीन नाइनटीन करके आपको काउंट करना है सबसे पहले आप अपने किसी भी जैकेट या स्वेटर का मेजरमेंट ले लीजिए पीछे उसे नाप लीजिए कि कितना है मेरा ये सत्रह इंच के आसपास है पीछे का हिस्सा तो सत्रह इंच के आसपास अगर आपका भी है तो आप नाइनटीन के मल्टीपल में काउंट करते चलें चार या पाँच के बाद पहले उसको मेज़र कर लें अगर आपका सत्रह के आसपास आ जाता है तो आप उसे वहीं छोड़ दें थोड़ा ढीला बनाना चाहते तो एक बार और मल्टीपल कर लें तो यहाँ पर जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ये नाइनटीन का मल्टीपल हुआ मीन्स नाइनटीन फंदे हो गए फिर इसके बाद से नाइनटीन काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन फिर से काउंट करिए वन टू थ्री फोर फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन तो यहाँ मेरा तीन डिज़ाइन के बराबर ये बन गया नाइन्टीन नाइनटीन के मल्टीपल में मैंने बनाया है तो एक बार नाइनटीन बना फिर नाइनटीन हुआ और फिर नाइनटीन तो इसमें मेरी बीच की दो डिज़ाइन आपको मैं बता दूंगी आपको इसी तरह से नाइन्टीन का मल्टीपल तब तक करना है जब तक आपके जैकेट के पीछे के साइज़ के मेजरमेंट के हिसाब से इतनी लंबी ये चेन ना हो जाए नाइन्टीन का मल्टीपल होने के बाद फिर से आपको इसमें क्या करना है दो तो चैन बनानी है दो चैन बना के पहली तीन चैन आपको स्किप करनी है मीन्स जब भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए दो चेन एक्स्ट्रा बनाते हैं क्योंकि लास्ट वाली चेन और उस दो चेन को मिला के हम एक डबल क्रोशिया बना लेते तो ये देखिए वन टू और थ्री तीन चेन को स्किप कर दीजिए और जो फोर्थ नंबर की चेन है वन टू थ्री चेन स्किप करके जो फोर्थ वन है इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे तो एक रो पूरी पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो डबल क्रोशिया की ही करेंगे तो इस राउंड में आपको इस रो में कुछ भी नहीं करना है जितनी भी चेन आपने बनाई है उन सब चेन में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है डबल क्रोशिया जो होगी वो आपकी नाइनटीन के मल्टीपल में ही होगी क्योंकि दो चैन आपने एक्स्ट्रा बना ली है फिर से तीन चैन स्किप की है तो ये जो हमारी यहाँ से डबल क्रोशिया कहीं भी काउंट न, कम नहीं पड़ेगी तो इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लें तो ये देखिए पहली रो ये पूरी डबल क्रोशिया की हो गई और अब मैं बैक साइड पे हूँ ये जो पूरी डिज़ाइन है फ्रेंड्स सिर्फ फ्रंट साइड से बनती है बैक साइड में पूरे में आपको सिर्फ सिंगल क्रोशा बनानी है कुछ नहीं बनाना है तो सिंगल क्रोशा इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे पहले एक चैन बना लीजिए और चैन बनाने के बाद जो सबसे पहली वाली आपको डबल क्रोशा दिख रही है इसमें एक सिंगल क्रोशा बना लीजिए सिंगल क्रोशा के लिए ये देखिए हुक को क्रोशा के अंदर इसके जो पहली डबल क्रोशा है इसमें डालेंगे बिना लूप के और डालने के बाद इसे सिंपल निकालेंगे सिर्फ दो ही लूप आपके पास क्रोशा में होते हैं सिंगल क्रोशा बनाते समय फिर से इस तरह से डाला और निकाल लिया तो जितनी भी डबल क्रोशिया बनी है उन सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फ्रंट साइड पे, तो पे, पे आ जाएंगे और फ्रंट साइड से डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे तो एक एक में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लीजिए और फ्रंट साइड पे आ जाइए ये देखिए इस तरह से पूरी सिंगल क्रोशिया मैंने बना ली और अब फ्रंट साइड पर आ जाइए और फ्रंट साइड से डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन जो डालेंगे वो पहले वाली सिंगल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक चैन बना लेंगे और जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है ये देखिए सबसे पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया है सॉरी इसी में डालेंगे और पांच डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे एक दो तीन चार और पांच और ये सारे पांचों मैंने डबल क्रोशिया देखिए एक ही स्पेस से बनाई वन टू थ्री फोर एंड फाइव फिर दोबारा उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनी हुई है और उसके बाद ये वाला सेक्शन बना हुआ है तो अब इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये नौ डबल क्रोशिया है तो नौ डबल क्रोशिया में एक मैंने बना ली जस्ट उसी के बगल से और अब आठ और बनाएंगे एक एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया छोड़ी नेक्स्ट वन से एक डबल क्रोशिया फिर से एक छोड़ेंगे उसके बाद एक डबल क्रोशिया फिर से एक छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया तो अब इसमें कहीं भी बीच में चेन नहीं लेना है फ्रेंड्स बिना चेन के ही आपको डबल क्रोशिया बनाना है और टोटल नौ डबल क्रोशिया इस तरह से बनानी है तो एक दो तीन चार एक छोड़ा दूसरे में पाँचवीं फिर से एक सिंगल छोड़ा सिंगल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट वन में छठी बनाई फिर से एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद सातवीं बना ली अगेन एक सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे इसे छोड़ देंगे और उसके बाद आठवीं बना लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के नौ बना ली एक बार अगेन काउंट कर लीजिए जो इसके जस्ट बगल में बनाई है जहाँ आपने पांच डबल क्रोशिया बनाई है उसके जस्ट बगल वाली जो डबल क्रोशिया बनी है वहाँ से काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन और अब अपनी डिज़ाइन को एंड करना है ये पहली वाली डिजाइन है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बताया एक डिजाइन होती है तो ये बन गई बीच की डबल क्रोशिया बन गई अब ये वाला पार्ट बनाना है सेम वैसे ही बनेगा जो आपकी लास्ट डबल क्रोशिया है उसके जस्ट बगल वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें पाँच डबल क्रोशिया बना लीजिए वन एक ही स्पेस से दो तीन चार और ये पाँच तो ये टोटल आपकी एक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई और ये पूरे उन्नीस फंदे हैं काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन और ये नाइनटीन तो जैसा कि मैंने बताया था एक डिज़ाइन नाइनटीन में बनती है तो उन्नीस फंदे की एक डिज़ाइन हो गई जस्ट इसी के बगल से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है हमें तो जहाँ आपने पाँच डबल क्रोशिया बनाई है जस्ट उसी के बगल से ये हो गई ये नाइनटीन हो गया नाइनटीन फिर से आपने काउंट किया था तो ये मीन्स नाइन दूसरे वाले नाइनटीन के कैलकुलेशन की पहली वाली सिंगल क्रोशिया हुए तो यहाँ से फिर से पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे दो चार और ये हो गई पाँच और अब जस्ट इसी के बगल से सेम इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है जो आपने यहाँ से यहाँ तक बनाई है फिर से मैंने देखिए ये पांच डबल क्रोशिया बना ली और अब ये वाली डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से पांच डबल क्रोशिया जस्ट उसी के बगल से स्टार्ट करेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ते हुए पहली जो बनानी है जस्ट उसी के बगल में बनानी पहले वाली बनाने समय आपको यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है पहली के बाद फिर आपको एक एक सिंगल क्रोशिया स्किप करना है तो एक स्किप करके दूसरी बना लेनी है तो इस तरह से टोटल नौ बना के रेडी करेंगे दो एक छोड़ेंगे तीसरी और अब ये लास्ट हो गई एक छोड़ के लास्ट में नौवीं हो गई तो इस तरह से नौ बना ली मैंने फिर से देखेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन और नाइन बनाने के बाद जस्ट इसी के बगल से फिर से पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे वन ये हमारी दूसरी डिज़ाइन भी ओवर हो गई दूसरी डिज़ाइन ओवर होते ही उसी के बगल से आपको तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है तीसरी ओवर हो जाए तो चौथी चौथी ओवर हो जाए तो पाँचवीं पाँचवीं से ज़्यादा है आपके पास तो छठी तो इस तरह से एक एक डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए ये देखिए एक बनाई मैंने एक के बाद यहाँ से दूसरी स्टार्ट की दूसरी भी कंप्लीट हो गई अब मैं तीसरी बनाऊंगी और तीसरी बना के इसमें कंप्लीट करूंगी और यहाँ पर आ जाऊंगी तो ये भी मैं पहले बना लेती हूँ लास्ट में देखिएगा मैंने उसी तरह से नौ डबल क्रोशिया बना ली और जस्ट इसी के बगल में जो लास्ट वाली आपकी डबल क्रोशिया जो बनेगी पाँच डबल क्रोशिया वैसे ही बनेगी जैसे आपने स्टार्टिंग की थी टू थ्री फोर और ये फाइव पाँच से स्टार्टिंग की थी पाँच डबल कुरुआ एक स्पेस पे बना के यहाँ पे स्टार्ट किया था और पाँच डबल कुरशा एक स्पेस पे बना के ही एंड होगा देख लीजिएगा यहाँ पे यहाँ मैंने जो बनाया है ये देखिए दो ही डिज़ाइन एक ही और एक ये बनी है और एक आधी आधी ये बनी है इतने में मैं आपको बताया है आप जो चैन बनाएंगे सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और आपको यहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर फोर डिज़ाइन पूरी बनाई है और यहाँ से स्टार्ट किया है तो एक ये हो गई और एक ये तो टोटल पांच बार मैंने इसीलिए लिया है एक दो तीन चार और पाँच आपको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप छः डिज़ाइन बना सकते हैं छः डिज़ाइन में बनाएंगे तो आपका इससे बड़ा बन के रेडी हो जाएगा जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको इसका जो रॉन्ग साइड है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशिया का बनता है अगेन मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ तो एक चैन बना के वर्क को टर्न करूँगी और टर्न करके जो वेरी फर्स्ट जो सबसे पहली वाली आपकी डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सबके ऊपर आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है तो एक उसके बगल वाली में दो जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए सिंगल क्रोशिया आपकी कम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा अगर आपकी सिंगल क्रोशिया कम हो गई तो डिज़ाइन आपकी गड़बड़ा जाएगी बट उसे आपको कैसे ठीक करना है अगर बीच में कहीं आपकी डिज़ाइन इधर उधर हो जाती है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे या कैसे आप समझेंगे कि कहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करना है और कहाँ पर इसे सेट करना है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं तो इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड को रो को ओवर करेंगे ये देखिए पूरा करने के बाद अगेन मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ और यहां पे फिर से एक चेन बनाएंगे वर्क को टर्न करेंगे और अगेन सेम डिजाइन को ये जो सेम प्रोसेस हमने किया है इसी सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है तो जो सबसे पहली वाली आपकी डबल क्रोशिया है इससे आपको पहले पांच डबल क्रोशिया बना लेनी है वन टू फोर फाइव टोटल छ रो में एक डिजाइन कंप्लीट होती है पहली और दूसरी रो के जैसे ही दूसरी और तीसरी मीन्स तीसरी और चौथी रो बनेगी जैसे आपने ये बनाई है सेम वैसे ही आपको पहली रो जैसे बनाई सेम वैसे ही तीसरी रो बनानी है पाँच डबल क्रोशिया हो गई जस्ट इसी के बगल से अगेन एक डबल क्रोशिया एक स्किप करेंगे दूसरी डबल क्रोशिया तो इस तरह से फिर से आपको नौ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है एक एक स्किप करते हुए नौ डबल क्रोशिया बना लें तो ये देखिए नौ डबल क्रोशिया मैंने बना के रेडी कर ली और ये जो आपकी जो दूसरी डिज़ाइन बनेगी ये मैं बता देती हूँ ये देखिए ये नीचे वाली जो पाँच डबल क्रोशिया है आपकी एक जगह से जो आपने बनाई है इसको छोड़ दीजिए ये तो दूसरी डिज़ाइन है ये पहली डिज़ाइन की जो एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोशिया है तो इसकी जो लास्ट वाला पैटर्न बनेगा इसके ऊपर वाली जो सिंगल क्रोशिया है जस्ट उसी पे बनेगा अगर आपके यहाँ फंदे कम होंगे कहीं भी अगर आपने गड़बड़ी की होगी तो ये आपका इस जगह पे आके नहीं बनेगा वो या तो आगे बन जाएगा या तो पीछे बनेगा या फंदे ज़्यादा हो जाएंगे या घट जाएंगे तो या तो इस वाले प्लेस के देखिए पाँच डबल कुर्सिया के जस्ट ऊपर वाले येली जो सिंगल कुर्सा है ये वाली या तो इधर बनेगा जब आपका इधर बन जाए बनना बने तब भी आप समझ जाइए आपके डिज़ाइन कहीं पे गड़बड़ हुई है और इसके बगल में अगर इधर पे आ रहा है तब भी समझ जाइए कहीं पे गड़बड़ हुई है तो अगर बाई चांस गड़बड़ हो भी जाती है कहीं पे आपके मानिए यहाँ पे नाइन डबल क्रोशिया के बाद एक और बच रही है और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट आ रहा है लास्ट वाली डबल क्रोशिया का तो आप उसे स्किप करके डायरेक्ट उसमें बना लीजिए तो फिर अगले राउंड में वो प्रॉपर सेट हो जाएगी अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं दूसरे पहली वाली डिज़ाइन को एंड करते हुए पाँच डबल क्रोशिया एक स्पेस पर बना लूँगी और इसके बाद दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी सेम स्पेस से इसके बगल वाला जो स्पेस है इसी से फिर से सेम डिज़ाइन पाँच डबल क्रोशिया जैसे मैंने यहाँ बनाई है फिर उसके बगल से एक डबल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़ते हुए नौ डबल क्रोशिया और अगेन पांच डबल क्रोशिया, तो इस रो को भी बना लेते हैं फिर आगे बन बनाते हैं ये देखिए सेम वैसे ही पहली और दूसरी रो बन के रेडी हो गई और उसके बाद अब चौथी रो में है पहली फिर दूसरी सिंगल क्रोशिया की तीसरी अगेन डबल क्रोशिया की और अब ये हो गई चौथी तो चौथी रो फिर से सिंगल क्रोशिया की ही बनाएंगे तो जैसे आपने दूसरी रो बनाई है ना वैसे ही ये बनानी है मीन्स जितनी भी आपके पास डबल क्रोशिया है इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करके फिर से फ्रंट रो मीन्स फिफ्थ वाले राउंड पे आ जाएंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरी रो को ओवर करेंगे सॉरी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और रो को ओवर करेंगे मेरी रो नंबर फोर भी कंप्लीट हो गई और अब मैं हूँ रो नंबर सिक्स में रो नंबर सिक्स में डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है ये देखिए ये पहली रो फिर ये तीसरी रो और ये है रो नंबर फिफ्थ इसमें हल्का सा चेंज है और इसे कैसे बनाना है देखिएगा पहले एक चैन बना लेते हैं ये रो जो बनेगी ये ट्रिपल क्रोशिया पे बनेगी ट्रिपल क्रोशिया के लिए आपको धागे को दो बार ग्रैप करना है इस तरीके से क्रोशिया में सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डालिए और एक बार में ये निकाला फिर दूसरी बार में निकाला और फिर तीसरी बार में तीन बार में ओवर होती है ये वाली रो एक ट्रिपल क्रोशिया बन गई एक चैन का स्पेस देंगे अगेन धागे को दो बार ग्रैप करेंगे सेम इसी प्लेस से एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन फिर से एक चैन का स्पेस देंगे धागे को दो बार ग्रैप करेंगे सेम इसी प्लेस से फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और तीन फिर से एक चैन का स्पेस देंगे तीन दो बार धागे को ग्रैप करेंगे और सेम इसी स्पेस से एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तो ये देखिए एक, एक एक चेन का स्पेस देते हुए मैंने एक दो तीन चार चार बार ट्रिपल क्रोशिया बना ली अब स्पेस को नहीं देना है अब यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है पर यहाँ पे जस्ट बगल से नहीं बनानी है यहाँ हमने पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिएगा जस्ट उसके बगल से ही डबल क्रोशिया बनाई थी बट जो पाँचवीं वाली रो है इसमें आपको ऐसा नहीं करना है इसमें जो आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसके जस्ट बगल वाली और उसके मीन्स दो सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है एक और दो ये दो स्किप कर देंगे और थर्ड वन में जो तीसरे नंबर की है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे वन फिर से धागे को दो बार ग्रैप किया दो सिंगल इसका स्किप करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया कोई भी चेन स्पेस नहीं है बिना चेन स्पेस दिए आपको बनाना है फिर से धागे को ग्रैप किया एक दो और तीसरे वाले पे एक ट्रिपल क्रोशिया फिर से दो बार धागे को ग्रैप करेंगे एक दो और तीसरे वाले पे एक ट्रिपल क्रोशिया फिर से धागे को ग्रैप करेंगे दो स्किप करेंगे और चौथे वाले पे एक ट्रिपल क्रोशिया टोटल पांच इस तरीके की ट्रिपल क्रोशिया बनानी है तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हो गई और अब जैसा कि मैंने बताया पहली जो डिज़ाइन ओवर होगी वो जो ये वाला जो लास्ट वाला मीन्स पहली वाली डिज़ाइन की जो आखिरी वाली डबल क्रोशिया है इसके इस वाले पॉइंट पर ओवर होगी तो फिर से देखिएगा मेरे पास अब दो ही बची हैं तो इन दोनों को स्किप करके इसमें डालूंगी और फिर से जैसे स्टार्ट किया है मीन्स एक स्पेस से चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाई तो एक बनाई यहाँ पे फिर से एक चैन का स्पेस दिया सेम ये वाला पैटर्न बनाना है जो सबसे पहले आपने बनाया था ना चार बार एक ही स्पेस से एक एक चैन के स्पेस पे वो बनाना है तो एक चैन का स्पेस दिया सेम इसी प्लेस से फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एक दो और तीन फिर से एक चैन का स्पेस देंगे सेम इसी स्पेस से फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक चैन का स्पेस और सेम इसी प्लेस से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तो अब यहाँ पे मेरी पहले डिज़ाइन ओवर तो हो गई हमारी एक डिज़ाइन पूरी हो गई यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अब आप इसको अगर काउंट करेंगे तो ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक नाइनटीन ही होगा जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एक फिर बीच में दो स्किप किया दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह और ये उन्नीस और उसके बाद दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे सेम वैसे ही पहले चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस पे एक एक चैन का स्पेस देके एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बताती हूँ आपको जैसे ही आपका एक डिज़ाइन ओवर होगा यहाँ पे आपने एक क्लार अपना ओवर किया तो उसके बगल से जो आप दूसरे डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे उनके बीच में चेन स्पेस नहीं होगा चेन स्पेस सिर्फ एक दो तीन एक डिज़ाइन में एक बार त्रिपल कर्सिया फिर चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया फिर चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया फिर चेन बस उसके बाद फिर आपको दूसरे डिज़ाइन स्टार्ट करनी है विदाउट चेन स्पेस दूसरे स्पेस से तो डिज़ाइन में सेम वैसे ही करना है आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाई एक चेन फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया तो ऐसे ही चार बार फिर से करना है एक ट्रिपल क्रोशिया एक चेन एक ट्रिपल क्रोशिया एक चेन एक ट्रिपल क्रोशिया एक, एक चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया तीन बार हो गया और ये चौथी बार ये देखिए ये प्रॉपर पूरा बन के रेडी हुआ ये आधे डिज़ाइन इधर की हो गई आधी डिज़ाइन इधर की हो गई सेम वैसे ही फिर से दो दो स्किप करेंगे एक दो दो सिंगल क्रोशिया स्किप की और तीसरे वाले पे एक ट्रिपल क्रोशिया तो इसी तरीके से आपको दो दो स्किप करनी है एक दो और ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है और पांच बार ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है ये बीच में पांच बनेंगी ये जो डबल क्रोशिया बनी थी ये बीच में एक दो डिज़ाइन के बीच में नौ बनी थी और ये जो बनेगी ट्रिपल क्रोशिया ये सिर्फ पांच बनेंगी अगेन आपकी जो डिज़ाइन ख़त्म होगी वो देखिएगा इस वाली स्पेस पर यह पहली हमारी डिज़ाइन है इसमें पाँच बनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये होती है इसकी लास्ट वाली यहाँ पे आपका फूल बन के रेडी होगा और उसके जस्ट बगल से आपको दूसरा फूल बनाना स्टार्ट कर लेना है सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और रो को पूरा ओवर करना है जैसे मैंने इसमें किया है देखिए एक फूल बना फिर पाँच ट्रिपल क्रोशिया फिर फूल बना फिर पाँच ट्रिपल क्रोशिया इसी तरह से करते हुए पूरी रो को एंड तक ओवर करेगा एंड में देखिएगा वैसे ही दो डबल क्रोशिया स्किप करके जो हमारी लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग की थी मीन्स फ्लावर ही बनाना है हमें एक ट्रिपल क्रोशिया एक चैन एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, चार बार करना है ऐसे ही ये देखिए टोटल वन टू थ्री फोर तो जहां जैसे एंड हुआ है जैसे स्टार्टिंग हुई थी मीस वैसे ही आपका एंड भी हुआ और ये पूरी रो ऐसे ही बार बार आपको रिपीट करनी है अब इसमें सिंगल क्रोशिया कैसे बनानी है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया और अब यहाँ पे ये जो चार चार आपके फूल बने हैं इसमें चेन स्पेस भी है इसीलिए आपको चेन स्पेस में भी सिंगल क्रोशिया बनानी है नहीं तो आपके फंदे कम पड़ जाएंगे तो पहले एक ट्रिपल क्रोशिया में बना ली ये चेन स्पेस है इसके अंदर भी बना लीजिए एक एक फूल में आपके सात बार ट्रिपल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनेगी फिर से ट्रिपल क्रोशिया है इसमें बना लीजिए और चेन स्पेस में बना लीजिए चार हो गई फिर से ट्रिपल क्रोशिया में बनी पाँच चेन स्पेस में छः और ये लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया सात तो टोटल सात सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गई उसके बाद है ये पाँच ट्रिपल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच जिसमें कोई चेन स्पेस नहीं है तो इसमें जितनी भी आपको दिख रही हैं उन सब में बना लीजिए एक दो तीन चार और ये हो गई पाँच अगेन ये हमारे पास फ्लार है जिसमें चेन स्पेस भी है तो पहले ट्रिपल क्रोशिया में फिर चेन स्पेस में फिर ट्रिपल क्रोशिया चेन स्पेस ट्रिपल क्रोशिया फिर से चेन स्पेस में और एंड में ट्रिपल क्रोशिया में ये हो गई हमारी ट्रिपल क्रोशिया तो ये सात बार बनके रेडी हो गई अब यहाँ पे देखिएगा एक बार फूल जब हमारा ओवर हो जाएगा तो दूसरे दूसरी डिज़ाइन जैसे स्टार्ट होगी उसके बीच में कोई चेंज स्पेस हमने नहीं दिया था एक डिज़ाइन ये है एक डिज़ाइन ये है बट इन दोनों डिज़ाइन के बीच में कोई चेन स्पेस नहीं है तो ऐसा मत करिएगा कि आप एक एक चेन स्पेस के धोखे में इसके बीच में भी चेंज स्पेस में बना दें इसमें नहीं बनाना है वरना फंदे ज़्यादा हो जाएंगे जैसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया लास्ट में ओवर होगी दूसरी ट्रिपल क्रोशिया से ही आप स्टार्ट करें सिंगल क्रोशिया बनाना और अब यहाँ से सेम वैसे ही एक सिंगल क्रोशिया एक चेन स्पेस में फिर एक सिंगल क्रोशिया में तो टोटल सात इसमें बनाएंगे और आगे कंटिन्यू रखेंगे तो इसी प्रोसेस को आपको सिर्फ रिपीट करना है फ्रेंड्स ये हमारी एक डिज़ाइन बनके रेडी हो चुकी है ये पूरी डिज़ाइन देखिएगा ये एक डिज़ाइन जो है ये मैंने एक आपको बता दी जिसमें एक दो तीन चार पाँच और ये छः सिंगल क्रोशिया वाली ये लास्ट रो है इस लास्ट रो के बाद आपको अगेन सेम डिज़ाइन को यूज़ करना है इस रो को पहले बना के ओवर कर लेते ये हैं रो भी मेरी पूरी ओवर हो गई और अब हमें एक डिज़ाइन जब पूरी कंप्लीट हो गई ये पूरी छः रो में एक डिज़ाइन होती है ये पूरी कंप्लीट हो गई और अब हमें इसमें दूसरी स्टार्ट करना है तो सेम वैसे ही करेंगे एक चैन बना के वर्क को टर्न किया और यहाँ देखिएगा फर्स्ट रो में जैसे हमने स्टार्ट किया था सेम वैसे स्टार्ट कर देंगे पहली ही वाली सिंगल क्रोशिया से हमने बना लिया था पाँच डबल क्रोशिया तो सेम वैसे ही पाँच डबल क्रोशिया बना लेंगे वन टू और फाइव और पांच डबल क्रोशिया बना के सेम प्रोसेस को एक कंटिन्यू रखना है तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ देखिएगा एक डिज़ाइन यहाँ बन के रेडी हुई उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन सेम वैसे ही पांच डबल क्रोशिया बना के फिर से फर्स्ट रो रिपीट की सेकेंड रो में सिंगल क्रोशिया थर्ड रो में अगेन सेम रो फोर्थ रो में सिंगल क्रोशिया फिफ्थ रो में अगेन ट्रिपल क्रोशिया वाला सेक्शन और सिक्स रो में आपका अगेन सिंगल क्रोशिया तो सेम आपको सेम इसी को ही रिपीट करते जाना है स्टेप बाई स्टेप जितनी भी आप डिजाइन बनाना चाहें उसके बाद आपका आर्म होल इसमें घटेगा तो मैंने टोटल इसमें वन टू थ्री अगर एक एक डिज़ाइन मैं ट्रिपल क्रोशिया से ही सिर्फ काउंट करूँ तो मैंने एक दो तीन चार पाँच छः छः डिज़ाइन पूरी बनाई है और सातवीं डिज़ाइन पे मैंने जब सातवीं डिज़ाइन ओवर होने पे आई है तब मैंने यहाँ पे आम होल को घटाया है आम होल के बाद मैंने ऊपर का गला अलग से नहीं घटाया है और उसके बाद मैंने इसमें देखेगा वन टू थ्री तीन डिज़ाइन पूरी पूरी बनाई है और उसके बाद मैंने अपने वर्क को यहीं पर रोक दिया है वर्क को आखिरी जो राउंड मैंने बनाया है इसमें देखिएगा इसे थोड़ा सा ये लहरिया वाला लुक डिज़ाइन है तो इसमें ऊपर इसे बराबर करना होता है तो मैंने इसे प्रॉपर इक्वल शेप देने के लिए ये लास्ट रो बनाई है ये वाली लास्ट रो कैसे बनती है और इसमें सॉरी ये इसका आम होल कैसे घटेगा ये मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट में बताऊंगी तो चलिए आगे वाले पार्ट को पहले देख लेते हैं कि आगे वाला पार्ट कैसे बनेगा तो ये देखिएगा ये मेरा है आगे वाला एक मैंने बना के रखा है ये राइट साइड वाला है और इसमें मैंने आधी डिजाइन को बनाया है एक डिज़ाइन यहाँ बनाई दूसरी बनाई और तीसरी मैंने सिर्फ हाफ बनाई है जहां हमने नाइन डबल क्रोशिया इसमें के बीच में बनाते थे इसमें मैंने सिर्फ फाइव बनाई है और बाद में एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशिया का बॉर्डर बनाया है तो इसमें टोटल फंदे नाइनटीन के मल्टीपल मिलेंगे फिर नाइनटीन के मल्टीपल मिलेंगे और लास्ट में ग्यारह फंदे अलग से लेंगे मीन्स एक बार उन्नीस लिया फिर उन्नीस लिया और उसके बाद मैंने ग्यारह इसमें ऐड कर दिया है तो इतने फंदे मैं इसमें बना के फिर आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है दोनों साइड का मैं आपको बता दूंगी कि राइट साइड का कैसे स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड का तो पहले मैं राइट साइड ये राइट साइड पार्ट है तो राइट साइड ही पहले बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है फंदे आपको वैसे ही लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छः अगेन फिर से उन्नीस काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर तो मैंने दो बार उन्नीस उन्नीस बनाए हैं दो डिजाइन बनाई है मैंने आगे के साइड में अगर आपकी ज़्यादा है तो आप पहले पीछे वाले पल्ले को देखिएगा मैंने इसमें पीछे वाले पल्ले के हिसाब से डिवीज़न किया है पीछे वाले पल्ले में मेरे पास इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच डिज़ाइन है इसीलिए मैंने आगे के पल्ले में ढाई एक तरफ और ढाई एक तरफ रखा है तो एक रखा मैंने फिर दूसरा यहाँ तक रखा और सिर्फ तीसरे वाले को मैंने आधा ही रखा है आधा एक साइड में और आधा एक साइड में अगर आपके पास छः हैं तो आप तीन तीन कर दीजिए एक दो तीन तो आपको यहाँ तक पूरा बन के रेडी हो जाएगा और आपको और ईजी हो जाएगा बनाना अगर आपने छः बनाया है तो मैंने पाँच बनाया है इसलिए मैंने यहाँ से इसको हाफ डिवाइड किया है आप अगर छः बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ से डिवाइड करें एक डिज़ाइन पूरी दूसरी डिज़ाइन पूरी और तीसरी का सिर्फ हाफ वाला सेक्शन मीन जैसे आपने स्टार्टिंग किया है सेम वैसे ही आपका एंड भी हो जाएगा मैंने यहाँ पे सिर्फ पाँच बनाई है तो मैं पाँच के हिसाब से आपको बता रही हूँ अगर आप छः बनाए हैं मीन्स आगे, आगे आपको तीन बनानी है तो आप उन्नीस उन्नीस का मल्टीपल तीन बार लें अगर आपने ढाई बनानी है तो उन्नीस उन्नीस का मल्टीपल दो बार ले लें और उसके बाद फिर उसमें आधे फंदे ऐड करें मीन्स इसमें अब मैं ग्यारह फंदे और ऐड करूँगी ग्यारह इसलिए ताकि पाँच डिज़ाइन मैंने देखिए पाँच डबल क्रोशिया वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया बनाई है प्लस ये एक, एक एक्स्ट्रा बनाई है तो उसके लिए यहाँ पे जो फंदे हैं वो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस मेरी पांच डबल क्रोशिया तक है और एक जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है उसके लिए मैंने ग्यारहवीं तो ग्यारह पहले इसमें और ऐड करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये हो गई इलेवन जो एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया है अब आपको डबल क्रोशिया बनानी है लास्ट में तो उसके लिए दो फंदे और ऐड कर लेंगे ताकि हमारी डबल क्रोशिया के लिए फंदे कम ना पड़े सेम वैसे ही इसमें भी पहले एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया का सेक्शन बना के पहले रेडी कर लेते हैं फिर मैं डिज़ाइन स्टार्ट करना ये देखिए यहाँ मैंने वैसे ही दो रो बना के रेडी कर ली सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया वाली और अब अब इसे स्टार्ट करना है जैसा कि मैंने बताई राइट साइड वाला है तो राइट साइड वाले यहाँ से इधर से ही स्टार्ट होगा राइट टू लेफ्ट जाएगा ये तो इसे इधर से स्टार्ट करेंगे जो इसके बगल वाला पल्ला मीन्स लेफ्ट साइड वाला पल्ला है वो इधर से स्टार्ट होगा तो इसका जो है वो फ्रंट साइड इधर की तरफ तो इस इस साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो एक एक्स्ट्रा बॉर्डर के लिए है एक डबल क्रोशिया यहाँ बना ली ओके और अब इसमें मैंने सिर्फ पाँच डबल क्रोशिया बनाई है तो जैसे पहले आप डिज़ाइन के बाद डबल क्रोशिया बनाते थे अब पहले आपको डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद ये डिज़ाइन बनानी है सिर्फ राइट साइड वाले पल्ले में लेफ्ट साइड वाला पल्ला वैसे ही बनेगा जैसे आपने बैक साइड में स्टार्ट किया था तो ये एक डबल क्रोशिया बनाई मैंने एक्स्ट्रा वाली और अब यहाँ से पाँच डबल क्रोशिया बनाऊँगी डिज़ाइन वाली एक बनाई फिर एक एक छोड़ के बनाए हैं हम लोग तो एक यहाँ पर छोड़ा ये दूसरी बना ली फिर से एक स्किप की तीसरी बनाई एक स्किप की चौथी बनाई एक स्किप की पांचवी बना ली ओके वन टू थ्री फोर फाइव ये लास्ट वाली मत काउंट कीजिएगा क्योंकि ये बॉर्डर के लिए है पांच बना ली अब उसके बाद फिर आपको ये डिज़ाइन बनानी है तो जस्ट बगल वाले से डिज़ाइन बना लीजिए पहले पांच डबल क्रोशिया फिर दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर दीजिए बाकी के डिज़ाइन सेम वैसे ही बनेगी जैसे मैंने आपको पीछे वाले पल्ले में बनाना बताया है तो इसे सेम वैसे ही कंटिन्यू कर लीजिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव और यहाँ से अगेन फाइव डबल क्रोशिया बना के सेम डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको पांच डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है बाकी सब सेम वैसे ही बनेगा नाइन डबल क्रोशिया ही बनेगी बीच में यहाँ भी और यहाँ भी तो इस डिजाइन को ये वाला रो पूरा बना लीजिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से फ्रंट साइड पे आ जाइए तो ये देखिए पहली रो मैंने बना ली सिंगल क्रोशिया वाली भी बना ली अब दूसरी स्टार्ट करने के लिए सेम वैसे ही करेंगे जो पहली डबल क्रोशिया है जो एज हमने बॉर्डर बनाई है उसे वैसे ही बना लेंगे कुछ भी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा आसान है ये वाली भी आपको उल्टा बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसी के जस्ट बगल वाली डबल सिंगल क्रोशिया में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाइए और एक एक स्किप करते हुए अगेन स्टार्ट हो करके वैसे ही बनाना है तो ये पहली बन गई एक स्किप की दूसरी बन गई फिर से एक स्किप करनी है तीसरी चौथी ये पाँच हुई पाँच सिंगल क्रोशिया बना ली डबल क्रोशिया सॉरी और अब ये देखिए ये मेरी पाँच है ना तो इसकी जस्ट ऊपर वाली ये वाली लेफ्ट साइड वाली नहीं राइट साइड में जो आपको सिंगल क्रोशिया दिख रही है जस्ट इसके ऊपर यही हमारा लास्ट वाला फंदा है और इसी में आपको अगेन पाँच डबल क्रोशिया सेम वैसे ही बना के रेडी कर लेना है तो सेम ही डिज़ाइन को आपको इसमें भी रिपीट करना है सिर्फ जो बॉर्डर वाली डिजाइन है वो आपको आधी बनानी है और इसमें कुछ भी ऐसे ही बनेगा ये इसे भी ऐसे ही पूरा ओवर कर लीजिए और सिंगल क्रोशिया बना के फिर से राइट साइड पर आ जाइए तब फिर मैं आपको ये वाली रो बताती हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने फिर से सिंगल क्रोशिया बना के अगेन मैं राइट साइड पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे फिर से एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और ट्रिपल क्रोशिया बनानी है तो दो बार धागे को ग्रैब करिए और सबसे पहली वाली जो आपकी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक बॉर्डर वाली ट्रिपल क्रोशिया बना लीजिए तो जहाँ ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ बॉर्डर में भी ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगा और जहाँ सिंगल डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया बनेगी उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट वाली जो बगल वाली है इसमें आपको ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है ये हो गई डिज़ाइन वाली ट्रिपल क्रोशिया में जब हम ये घर वाला ये वाला पार्ट बनाते हैं तो दो दो सिंगल क्रोशिया छोड़ के बनाते हैं तो सेम वैसे इसमें स्टार्ट करेंगे एक और दो दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वन से एक डिज़ाइन बना लेंगे फिर से एक और दो दो स्किप करेंगे और थर्ड वन में एक डिज़ाइन बना लेंगे तो जहाँ आपने जब पूरे डिजाइन बनाते हैं तो एक दो तीन चार पाँच ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं यहाँ डिजाइन आधी ही है तो सिर्फ तीन बनाएंगे वन टू और थ्री और उसके बाद बीच वाला फ्लावर बना लेंगे सेम वैसे ही दो स्किप किया ये देखिए ये मेरा हैंड वाला है तो यहाँ पे इसमें बना लेंगे एक एक चैन का स्पेस अगेन एक एक चैन का स्पेस फिर से ये तीसरी एक चन का स्पेस और ये चौथी बस सेम ही प्रोसेस है आपका और कुछ भी नहीं करना है इसमें ये देखिए मैंने पूरे डिज़ाइन आपको बता दी कि ये कैसे अप्लाई होगी राइट साइड वाले पल्ले में ये राइट साइड का पल्ला है तो राइट साइड के पल्ले में कैसे अप्लाई होगी ये मैंने बता दी है सेम ऐसे ही आपको बस रिपीट करना है और पूरा बना के इसे रेडी करना है इसका ऊपर इसमें मैंने वी गला घटाया हुआ है और वी गला घटाने के बाद इधर आम हो तो ये मैं पूरा बनाने के बाद आपको बताऊंगी अब चलिए इसमें लेफ्ट साइड का बना देते हैं कि लेफ्ट साइड का कैसे जो इसका लेफ्ट साइड वाला पल्ला है उसमें आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो so फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें लेफ्ट साइड का पल्ला और लेफ्ट साइड के पल्ले में ही मैं आपको इसका आम होल घटाना और इसका गला घटाना बताऊंगी सारी चीज़ें मैं आपको इसी पल्ले में बताऊंगी पहले ये बता देती हूँ कि ये अप्लाई कैसे करना है इसे अप्लाई करने के लिए हम इधर से अप्लाई करेंगे जहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है तो वैसे ही एक चैन बनाएंगे और स्टार्टिंग करेंगे इसे लेफ्ट साइड वाले पल्ले की पाँच डबल क्रोशिया से एक दो तीन चार पाँच जैसे आपने पीछे का पल्ला स्टार्ट किया था सेम वैसे ही आपको ये पल्ला भी स्टार्ट करना है जस्ट उसके बगल वाले से डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए ये पूरा यहाँ से बनाइए एक डिजाइन बना लीजिए दूसरी डिजाइन बना लीजिए और तीसरे डिजाइन का ये वाला जो सेक्शन है पाँच डबल क्रोशिया इसे बना के यहाँ तक बना के पहले रेडी कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एक डिज़ाइन बना ली दूसरी डिजाइन और तीसरी डिजाइन के पांच डबल क्रोशिया बना ली और अब इसमें सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें किया था लास्ट इसमें स्टार्टिंग की थी हमने पांच डबल क्रोशिया से ये पल्ला इस साइड का होगा तो इसलिए लास्ट में यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक वैसे आपने जैकेट बनाई होगी तो दोनों पल्ला आपको पता होगा किस तरीके से एडजस्ट होता है ये दो तीन चार पाँच ये लास्ट में जो हमारा डबल क्रोशिया जो बॉर्डर वाली है इसे बना लेंगे तो सेम वैसे ही इसमें भी करना है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच डबल क्रोशिया और ये एक्स्ट्रा हमारी बॉर्डर वाली डबल क्रोशिया हो गई फिर से एक चैन बना लेंगे सिंगल क्रोशिया जहाँ है दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट है तो सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे पहले वाली रो से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे ये हो गई सिंगल क्रोशिया तो सेम वैसे ही इसमें भी करना है फ्रेंड्स डिज़ाइन ऐसे ही बनेगी जो ये पहली वाली है ये देखिए जब मैं इसे ऐसे रखूंगी यहाँ पे तो ये इस तरीके का बन के रेडी होगा ओवरलैपिंग इसमें अभी नहीं होगी क्योंकि ऊपर से दूसरा छोटा सा बॉर्डर बनेगा इसमें तो बॉर्डर मैं बाद में बार आपको बताऊंगी पहले इसको इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये एडजस्ट होगा तो दोनों डिज़ाइन आपकी प्रॉपर बन के रेडी हो जाएगी जब आप ये बना के पूरा रेडी कर लेंगे देखिए यहाँ से ये कटिंग आई फिर ये उठ गया तो ऐसे ही बन के रेडी होगा तो इस ये इजी है क्योंकि इसमें इधर से स्टार्ट करना है जैसे ही आप पूरा प्रॉपर बना के रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया ही लास्ट में बचेगी क्योंकि फंदे ही उतने बनाए गए हैं और ये जो वाली है ट्रिपल क्रोशिया वाली इसमें वन टू थ्री तीन ही है तो इसमें भी तीन ही आएंगे लास्ट में एक, एक, एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बनाना ना भूलें तो इन तीनों पल्लों को फ्रेंड्स पहले आप आमहोल तक बना के रेडी कर लें ये आगे वाले मैंने तीनों ही पल्ले किस तरीके से अप्लाई करना है इस वाले वीडियो में आपको बता दिया है पूरा कि पीछे के पल्ला किस तरीके से अप्लाई करना है आगे के पल्ले के राइट साइड में कैसे अप्लाई करना है डिज़ाइन को और लेफ्ट साइड में कैसे अप्लाई करना है तो तीनों पल्लों को आप पहले आर्म होल तक बना के रेडी कर लें यहाँ तक कि जितनी मैंने डिज़ाइन बनाई है मैंने इसमें छः डिज़ाइन पूरी बनाई है सातवें सात डिज़ाइन तक मैंने इसमें बनाया है सातवीं डिज़ाइन का जो ट्रिपल क्रोशिया वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने इसमें फंदों को घटाया है तो आप छह डिज़ाइन पूरी बना के उसके बाद दो डिज़ाइन और मीन्स डबल क्रोशिया वाली डिजाइन बना लें उसके बाद मैं इसमें आपको डबल ये आम होल को घटाना बताऊंगी इस वाले पल्ले में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आम होल घटाना है और कैसे इसका गला घटाना है ये है लेफ्ट साइड का पल्ला और इसमें देखिए मैंने छः पूरे बना लिए हैं ये वाला एक दो तीन चार पाँच छः हो गया है और सातवां वाला बनाना है तो रॉन्ग साइड पे हूँ और रॉन्ग साइड से पहले इधर पूरा जाएंगे और यहाँ पे ही इसे आम होल को घटा देंगे बट साथ में ही हम इसमें घटाते चलेंगे इसका गला भी तो गला घटाना इधर से ही शुरू करेंगे देखिएगा ये गले वाला पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपकी बटन पट्टी बनती है और ये वो वाला पार्ट है जहाँ से जिधर से आम होल आपका घटेगा तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे घटेगा पहले देखिएगा ये जो दो डबल क्रोशिया देखिए नीचे से चली आ रही है ना हमारी ये ऐसे ही एज इट इज रहेगी इसको हमें नहीं घटाना है चलिए अब इसका पहले गला घटा लेते हैं ये गले का साइड है ये देखिएगा ये पूरा गले का साइड है मीन्स जिधर आपकी बटन पट्टी बनेगी ये वो वाला पार्ट है तो पहले गला घटाएंगे फिर आम होल घटाएंगे तो शुरुआत की दो जो आपकी चली आ रही हैं फ्रेंड्स ये नहीं कम करनी है ये ऊपर तक ऐसे ही चलेंगी पूरे गले में वी शेप का गला बनेगा इसमें तो देखिए पहले पे और दूसरे पे दोनों पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली और अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आपको देखिए एक में लूप डाला दूसरी में लूप डाला और तीसरी में लूप डाला तीनों में लूप डाल दिया और तीनों के लूप के बाद आपको सारे लूप्स एक साथ ओवर कर देने हैं इस तरह से आपका फंदा घट गया और अब जितनी भी आपके पास सिंगल क्रोशिया है इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए जैसे आप बनाते आ रहे हैं और एंड में यहाँ तक बनाना है ये लास्ट की जो फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें आपको वर्क नहीं करना है मीन्स इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है उसके पहले सिर्फ यहाँ तक बना लीजिए तो यहाँ देखिएगा अब मैं यहाँ पर लास्ट वाली इस पर बना के मैंने ये छोड़ दिया इन पाँचों को मैंने वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ही छोड़ दिया इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे और वर्क को अपने यहीं से टर्न कर लेंगे तो यहाँ देखिएगा इसे आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि आपकी इस डबल क्रोशिया में कौन सा पार्ट आएगा तो यहाँ पे जो पाँच डबल क्रोशिया है जहाँ पे आपने एक डिज़ाइन खत्म होती है वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं ये यह देखिए यहाँ पर लास्ट हम डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया जो एक साथ बनाते हैं वो वाला सेक्शन है यहीं पे बनाते हैं तो यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया वाला ये पार्ट है तो यहाँ पे दो छोड़ के एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे फिर दो छोड़ेंगे एक यहाँ बनेगी फिर दो छोड़ेंगे कि यहाँ बनेगी दो छोड़ेंगे और एक लास्ट में बनेगी तो इट मीन्स यहाँ पे लास्ट में आपकी ट्रिपल क्रोशिया बनेगी चैन स्किप नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने चार चैन बना ली और उसके बाद फिर से दो छोड़ के यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी ये देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया मीन्स अब डिज़ाइन को सेम कंटिन्यू कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसमें डिज़ाइन ये अब ऐसे ही बनेगी और अब आप देखिएगा वहाँ पे आएंगे जब आप बीच में तो मैं वहीं उसी जगह पे आएंगे जहाँ पे आएंगे आपके डिज़ाइन बनती है पहले से काउंट करके अगर आप बनाएंगे इनफैक्ट अगर बीच में भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं फिर से दो छोड़ी और ये देखिए ये लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया है और यहीं पे हमने अपना फ्लावर बनाना है ट्रिपल क्रोशिया का तो इस तरीके से डिज़ाइन तो आपको पता ही है डिज़ाइन में क्या बनाना है तो पूरा इसे कंटिन्यू कर लीजिए और कंटिन्यू करके एंड में आ जाइए यहाँ तक बना लीजिए जो लास्ट वाला आपका ये वाली डबल क्रोशिया वाला पार्ट है यहाँ पर बना लीजिए फिर मैं बताती हूँ कि गला कैसे घटा है तो ये हाँ देखिए अब मैं इस वाले पॉइंट पे हूँ डबल क्रोशिया हमारी कम पड़ गई है अब इसमें सिंगल क्रोशिया जो है वो कम है यहाँ पे मैंने फ्लार बना लिया तो दो छोड़ के एक यहाँ अगर बनाएंगे फिर से दो छोड़ के यहाँ बनाएंगे तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया हमारी इस जगह पे बनेगी बीच में एक स्किप हो जाएगी लेकिन हमें बनाना क्या है लास्ट में दो डबल क्रोशिया तो बनानी ही बनानी है तो अब उसके लिए क्या करेंगे जो बीच में एक यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया आ रही है इसे स्किप कर देंगे मीन्स दो चैन के बाद डायरेक्ट लास्ट वाली पे बना देंगे नीचे हमने तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी वन टू और थ्री ओके okay, तो अब हमें गला घटाना है तो गला तो ऐसे ही घटेगा कि आप जब एक ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे दो के बाद देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाई और अब इसके बाद अगर हम दो स्किप करके यहाँ बनाएंगे तो हमारी जो दूसरी वाली बनेगी वो इस जगह पर बनेगी तो फिर बीच की एक गैपिंग अच्छी नहीं लगेगी तो उसके लिए आप क्या करिए तीन स्किप कर दीजिए और लास्ट वाली में बना लीजिए एक यहाँ बना लीजिए और एक यहाँ बना लीजिए तो इस तरीके से आपको इस डिज़ाइन में गले के लिए सेटिंग करनी होगी और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर सिंगल क्रोशिया वाली रो में आपको बॉर्डर के बाद तीन तो क्रोशिया की एक करनी होगी यहाँ पे देखिए फिर से मैं रॉन्ग साइड पे हूँ और ये दो सिंगल क्रोशिया बना ली फिर से यहाँ पे एक बार गला घटा लूँगी एक बार लूप लिया दो बार लूप लिया और अब ये बीच वाला सेक्शन है तो यहाँ भी एक लूप लेते हैं तो यहाँ ले लिया और इस तरह से घटा दिया अगेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाते हैं एंड में एक बार फिर से मैं आपको बता बता देती हूँ सॉरी एंड में फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे आपको होल के ऊपर बनाना है तो ये रो बना लीजिए और इस वाले पॉइंट तक आ जाइए तो ये देखिए अब मैं एंड में हूँ और एंड में यहाँ पे जो आपने चैन से स्टार्ट अगर किया है तो एक सिंगल क्रोशिया आपकी चैन पे भी बनेगी तभी आपकी सिंगल क्रोशिया पूरी होगी अगर आप चैन पे नहीं बनाएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया कम पड़ जाएगी वर्क को यहीं से टर्न कर लीजिए फिर से अब मैं यहाँ पे अगर चैन से स्टार्ट करती हूँ तो पहले तो आपको लास्ट में एक बनानी ही बनानी है उसके बाद अगेन फिर से यहाँ पे अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया वाला था रो और ये अब डबल क्रोशिया वाली रो है तो अगर मैं फिर से काउंट करूँ तो देखिए ये फ्लार यहाँ पे एंड हुआ है यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पाँच डबल क्रोशिया बनेगी उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनती है एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे फिर फिर से एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे फिर से एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे और एक छोड़ के यहाँ बनेगी लास्ट वाली बच जाएगी तो आप लास्ट में एक डबल क्रोशिया अगर बनाते चलेंगे तो आपका शेप भी प्रॉपर आएगा और बॉर्डर बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है यहाँ आपको दिखा देती हूँ ये देखिए ये ऊपर तक लास्ट में मैंने ये पूरी दो दो करते हुए मैं चली हूँ ताकि ये हमारा आम होल का बॉर्डर अच्छा लगे देखने में तो अब आम होल ऐसे ही बनेगा इसमें आपको कुछ भी अंतर नहीं करना है हर बार ऐसे ही बनेगा और एक बार मैं आपको गला और बता देती हूँ जैसे मैं इस बार बताऊँगी सेम वैसे ही आपको सिर्फ उसमें भी कंटिन्यू रखना है तो ये रो पहले बना के गले के साइड तक आ जाते हैं तो अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या करेंगे एक यहाँ बनेगी ये दूसरा वाला है दूसरे वाले में घटाते समय आपको क्या करना है एक यहाँ बना लेनी है फिर से एक स्किप होगी यहाँ बन जाएगी दो हो गई फिर से एक स्किप होगी और यहाँ बनेगी तीन हो गई ये वाला हमारा बच रहा है इसमें बनेगा पर जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था ये इधर वाला नहीं बचना चाहिए इधर वाला चाहे स्किप हो जाए तो इसमें भी इसे स्किप करके इसमें डायरेक्ट बना देंगे तो इसी चीज़ का बस आपको ध्यान देना है इसमें और कुछ नहीं करना है एक देखिए एक मैंने बनाई एक स्किप करके यहाँ बना ली दूसरी फिर ये तीसरी स्किप अगर मैं करके चौथी यहाँ बनाऊंगी तो ये एक रह जाएगी तो इसे भी स्किप कर दूँगी मीन्स दो स्किप करके डायरेक्ट यहाँ बना दूंगी ये लास्ट वाले में आपको बनाना ही बनाना है चाहे आपकी वो बीच में एक स्किप हो जाए एक सिंगल क्रोशिया आप इस तरह से स्किप भी कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से आपकी डबल क्रोशिया भी प्रॉपर्ली सेट हो जाएगी वर्क में आपके सिकुड़न भी नहीं आएगी और वर्क देखने में भी फाइन लगेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूरे में सिंगल क्रोशिया बन रही है अगेन पीछे से आपको वैसे ही शुरुआत की दो में सिंगल क्रोशिया बना ही लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे फंदों को घटाना है एक दो तीन एक साथ घटा लिया और एक साथ ओवर कर दिया अगेन सिंगल क्रोशिया वाली रो पूरी बना लीजिए और फिर से राइट साइड पे आ जाइए एक बार मैं और बता देती हूँ फंदे को घटाना रॉन्ग साइड और राइट साइड पे ये लास्ट वाली डिज़ाइन पे आ तो जाइए इसमें क्या करेंगे देखिएगा ये डिज़ाइन बनाने के बाद पहले एक जस्ट उसके बगल वाली जो है वो बना लेंगे और उसके बाद अब आपको डायरेक्ट इधर बना लेनी है एक दो तीन बीच की तीनों स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे इस जगह पे बॉर्डर बना लीजिए एक और ये हो गया दूसरा क्योंकि तो डबल क्रोशिया आपको इसकी दो ही बनानी है डिज़ाइन की यहाँ पे तीन थी एक यहाँ थी एक यहाँ थी एक यहाँ तीन थी, थी इस वाली रो में आपको दो बनानी है तो एक यहाँ बना ली एक यहाँ बना ली दो हो गई अब अगेन यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे और वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले स्टार्टिंग की दो वैसे ही बनेंगी एक और दो उसके बाद फिर एक दो और ये तीन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे और अगेन सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो बस इसी तरीके से आपको करना है एक बार सिंगल क्रोशिया की रो में आपको तीन का एक कर देना है और उसके बाद वाली रो में अगर आपकी डबल क्रोशिया ईजिली कम हो रही है तो कम कर दीजिए नहीं कम कर हो रही है तो आपको बीच की डबल क्रोशिया स्किप करके डायरेक्ट बॉर्डर पर आना होगा जैसे यहाँ पर मैं आई हूँ देखिएगा तीनों स्किप कर दी और डायरेक्ट बॉर्डर पर आ गई अगर इसके बाद में अगर ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है तो देखिए यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया वाली रो बनना अगर स्टार्ट होगी तो यहाँ पे अगर मैंने फूल बनाया तो उसके बाद दो स्किप करूँगी और यहाँ पे डिज़ाइन बनेगी एक उसके बाद बॉर्डर बन जाएगा ट्रिपल क्रोशिया में मैंने दो बनाया था बॉर्डर अगर मैं बनाती हूँ एक तो एक यहाँ एक यहाँ दो ही फिर से रह जाएंगी तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे डिजाइन बनाने के बाद एक दो तीन तीनों स्किप कर देंगे और सिर्फ डायरेक्ट बॉर्डर बना लेंगे ओके अब यहाँ पे जैसे देखिए आप पलट के जब आएंगे तो एक यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया वाला फ्लावर बनाया दो स्किप करके अगर आप यहाँ बनाते हैं तो आपके पास बीच के स्पेस कम हो जाएगा तो आप तीन स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ बना लीजिए सिंपल अगर मैं कहूँ तो हर बार आपको तीन डबल क्रोशिया ही स्किप करनी होगी और उसके बाद डायरेक्ट बॉर्डर पर आना होगा तभी आपके डिज़ाइन प्रॉपर बन रेडी होगी और उसके बाद आपको फिर ये धीरे धीरे ये डबल क्रोशिया भी कम करनी होंगी तो मैं इसमें पहले बना लेती हूँ पूरा फिर आपको दिखाती हूँ कि किस राउंड में मैंने कितने राउंड बनाए हैं टोटल इसमें ट्रिपल कुर्सिया वाली डिज़ाइन तीन बार बनेगी एक अब इसके ऊपर बनेगी फिर एक बार बनेगी फिर एक बार बनेगी मीन्स अगर आम होल के बाद आपको तीन बार पूरी पूरी डिज़ाइन बनानी है एक ये हो गई दो और ये हो गई तीन और तीसरे में ही आपको पूरा यहाँ पे बंद कर देना है तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे बंद करना है तो इसी तरीके से घटाते जाइए और देखिए कितना प्रॉपर शेप इसका अच्छे से आ रहा है ये देखिए ये अब बिल्कुल टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तो इसी तरीके से आप घटाते जाइए और ऊपर तक बना लीजिए टोटल तीन ट्रिपल क्रोशिया के डिज़ाइन इसमें बना के रेडी कर लीजिए तो यहाँ देखिए ये मैंने अपना पूरा नेक बना के रेडी कर लिया है और ये पूरा प्रॉपर बन के रेडी हो गया है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ देखिए पहले वाले में मैंने सिर्फ ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट किया था तो दो कर दी थी और डबल क्रोशिया उसके बाद वाली रो में एक दो और तीन थी उसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे तीन तीन मैंने सिंगल क्रोशिया सब में घटाई है जैसे आपको बताया था रॉन्ग साइड में तीन तीन वैसे ही घटाई है उसके बाद जहां मैंने इस वाले राइट साइड वाले पार्ट में कैसे घटाया है वो मैं आपको इस समय बता रही हूँ उसके बाद जो डबल क्रोशिया है देखिए ये दो रखी उसके बाद अगेन ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट आ गया तो ट्रिपल क्रोशिया में मैंने सिर्फ ये बॉर्डर वाली ही रखी है एक भी ट्रिपल क्रोशिया एक्स्ट्रा नहीं है इसमें देखिएगा जैसे यहाँ पे बीच में एक थी यहाँ इसे इसे भी ख़त्म कर दिया है और उसके बाद जब हम ट्रिपल क्रोशिया वाले पार्ट डबल क्रोशिया वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक भी डबल क्रोशिया नहीं है सिर्फ बॉर्डर वाली है जैसे यहाँ पे एक थी इस वाले में देखिएगा यहाँ पे एक थी बट यहाँ पे एक भी नहीं है उसके बाद वाले सेक्शन में वैसे ही तीन आपको सिंगल क्रोशिया तो घटानी ही है बट ये इसके ऊपर जब हम आते हैं डबल क्रोशिया में तो ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया घटाई है इधर वाली पाँच की पाँच है बट ये दूसरी वाली में पाँच की मैंने दो घटा दी हैं तीन रखी हैं उसके बाद वाली रो में इन तीनों को भी घटा दिया है जो ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं चार चार का दो सेक्शन बनाते हैं यहाँ मैंने सिर्फ एक सेक्शन ही बनाया है ये बॉर्डर जो है इसी में इसे कुछ भी कम नहीं किया है ये ऊपर तक वैसे ही चला है उसके बाद अगेन जब ट्रिपल क्रोशिया में आते हैं तो अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है तो सिर्फ मैंने इस वाले के बाद ये देखिए जो इधर वाली डबल क्रोशिया है इसके बाद सिर्फ मैंने यहाँ पे इसकी डबल क्रोशिया ही बनाई है टोटल जितनी भी बनी है उतनी डबल क्रोशिया मैंने इसमें बना ली है और उसके ऊपर वाली रो में भी दो डबल क्रोशिया इससे कम कर दी है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन डबल क्रोशिया है जो लास्ट वाला है हमारा उसमें ये देखिए सारी ही कम हो गई हैं एक दो तीन ये पूरी ऐसे ही बनी है और ये डबल क्रोशिया है जो सारी की सारी इसमें कम हो चुकी हैं और अब मेरे पास इस तरीके का पैटर्न बन के बचा है अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ सिंपल है कुछ भी नहीं है आगे की एक दो तीन और चार ये जो चार डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर आपको पहले एक दो और तीन तीन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है तो स्टार्टिंग मैं करूँगी इसमें चैन से वन टू थ्री फोर वर्क को पलट देते हैं और ये मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाई दो ये तीसरी बना ली और फिर ये चौथी बना ली ओके और अब इसके बाद एक दो और तीन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये फूल वाला पार्ट है तो इसके बीच से भी बनाते हैं यहाँ से भी बना लेंगे हो गई तीन अब इसके बाद एक दो और तीन प्लस इस वाले में चारों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये देखिए एक बनाई इसके अंदर से दो बनाई फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ से बनाई तीन हो गई और अब एक इसी के अंदर से चार बना ली जो टॉप की दो हैं इनमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो अगेन आपको इधर भी सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे आपने इधर किया है तो ये देखिए ये थोड़ा सा बराबर हो जाता है तो आपको सिलने में आराम होगा और दिक्कत भी नहीं होगी देखने में भी खूबसूरत लगेगा अगेन यहाँ पे जितनी डबल क्रोशिया बनाई थी उतनी पहले इसके बाद हाफ़ डबल क्रोशिया बनी है ये देखिए जहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनी है एक दो तीन चार चार हाफ डबल क्रोशिया है तो चार हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं एक दो सॉरी पहले इसमें बनाएंगे इसके अंदर बनाया एक हाफ डबल क्रोशिया एक इस पे बनाई डबल क्रोशिया के ऊपर दो हो गई ये फिर से इसके अंदर तीन हो गई अगेन यहां से बनाया चार हो गई और अब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक इसमें बनाएंगे एक पहले इसमें बनाया एक फिर इसमें बनाया दो और फिर इसमें बनाया तीन हो गई और अब बाकी में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तो ये हो गया एक पे हो गया दो जितने भी हैं उतने भी आपको ऐसे ही इसी तरह से बना के अपने वर्क को पूरा प्रॉपर सेट कर लेना है और जैसे ही आप इसे सेट करेंगे देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा इससे आपको क्या होगा सिलने में आराम होगा ऐसे ही आपको दूसरा वाला जो इसका पार्ट है उसमें भी करना है और सेम ऐसे ही आपको इसी तरीके से पीछे वाले में भी करना है ये देखिए इसी तरीके से इसमें भी बनाना है और इसे पूरा जहाँ पे आपको डबल क्रोशिया लगे वहाँ डबल क्रोशिया जहाँ सिंगल क्रोशिया लगे वहाँ सिंगल और जहाँ हाफ डबल क्रोशिया लगे वहाँ हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना के रेडी करना है तीनों पार्ट बनने के बाद इनके ऊपर वाले हिस्से को तो अब इस तरह से तीनों पल्ले बनने के बाद अब आपको फ्रेंड्स इसमें क्या करना है इसका जो ये मुड्ढा है इसे जोड़ लेना है दोनों तरफ से जब आप इस ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बना लेंगे तो देखिएगा प्रॉपरली ये जुड़ जाएगा और अब मैं इसमें आपको इसका ये होल बनाना सिखाऊंगी बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा बॉर्डर तो इसे बनाने के लिए मैंने इसको जोड़ा नहीं है पहले इसे बना लिया है उसके बाद मैं इसे सिलूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा मुझे लग रहा हो कहीं से भी कि झोलना आए तो वो इसी में सिलने में ही उसको अंदर कर दूंगी बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी हुआ है तो अब इसमें क्या करना है सीधे की तरफ से ही <coughs> दूसरे वाले साइड में मैं आपको बताऊंगी इसमें सीधे के साइड से जो आपका फ्रंट साइड है वहाँ से इस कॉर्नर पर धागे को ऐड कर लीजिए तो ये देखिए यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया और सबसे पहले इसका बेस बना के रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया थी आपके पास जो आपने घटाई थी उन सब में पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए एक दो ये हो गई पांच जो बिल्कुल कॉर्नर वाली ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है कॉर्नर पे डबल क्रोशिया बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स ये जो इसकी गोलाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है बिल्कुल प्रॉपर गोल हो जाता है अभी पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर अब आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाना है स्टार्ट सिंगल क्रोशिया ही बनानी है सॉरी तो अब इसमें देखिए जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है तो इस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में आपको दो सिंगल क्रोशिया बनानी है एक दो और फिर से जहाँ पे जॉइंट दिख रहा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले ज्वाइंट पे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया में सिर्फ़ एक ही बनानी है अगेन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ बनाइए एक उसके ऊपर जो दूसरे वाली का है उस पर बनाइए तो जहाँ जहाँ आपको ज्वाइंट दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको एक एक बना लेना है और एक जो डबल क्रोशिया है इसमें एक बना लेनी है डबल क्रोशिया के बीच से फिर से यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया वाला जॉइंट है और ये मेरा डबल क्रोशिया वाला पार्ट है एक यहाँ बना लूँगी अगेन ये डबल क्रोशिया वाले जॉइंट पे बनाऊँगी फिर सिंगल क्रोशिया वाले जॉइंट पे बनाऊँगी फिर डबल क्रोशिया बनी हुई है इस पर बनाऊँगी तो इसी तरीके से बना के रेडी करना है जहाँ ट्रिपल क्रोशिया है उसके बीच में दो बनाइए और जहाँ डबल क्रोशिया है उसमें एक बनाइए इस तरह से जॉइंट पर भी बनाना है और ये देखिए ये प्रॉपर गुला गुलाई आ गई देखने कितनी अच्छी गुलाई आ गई इसमें इसी तरह से बना के एंड तक के आपको जाना है और अब जब इधर वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे तो इधर वाले कॉर्नर पे भी आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और फिर जो पांच डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो पाँच वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे अगर आपने जोड़ के बनाया है तो वर्क को टर्न ना करें और उसी में कंटिन्यू रखें अगर बिना जोड़े बनाया है तो वर्क को टर्न कर लें और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें तो यहाँ से देखिएगा शुरुआत की दो पहले एक चैन बना लेंगे और जो स्टार्टिंग की दो है इनके ऊपर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक और दो उसके बाद एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन बनाई एक दो तीन तीन सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे एक दो और तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगेन एक दो तीन चार पाँच फिर से पांच चैन बनाएंगे एक दो और तीन तीन सिंगल क्रोशिया स्किप करके जो फोर्थ वन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा ये और एक बना लेने के बाद उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगी और उसके बाद वाली पे भी मीन्स तीन लगातार सिंगल क्रोशिया बनेंगी एक दो और तीन फिर से पाँच चैन पाँच चैन बनाएंगे और फिर से एक दो तीन स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सेम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे एंड तक इसे ऐसे ही बनाएंगे इसी तरीके की चेन्स बना के पूरे एंड तक रेडी करेंगे तो ये देखिएगा एंड में यहाँ पे भी चेन बनाने के बाद यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना ली है और अब वर्क को इसी में टर्न कर लेंगे यहीं से और बिना चेन बनाए इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे एक दो टोटल नौ डबल क्रोशिया बनानी है इसमें तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये नौ डबल क्रोशिया हो गई नहीं, इस तरह से प्रॉपरली सेट कर लीजिए और उसके बाद ये जो तीन सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें जो बीच वाली है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देना है और अगेन यहीं से नेक्स्ट वाली चेन में नौ डबल क्रोशिया बनानी है जितनी भी चेन बनी हुई है उन सब में आपको इसी तरह से नौ नौ डबल क्रोशिया बनानी है और उसको बनाने के बाद अपने वर्क को बीच वाले सिंगल क्रोशिया में ऐड कर देना है डबल क्रोशिया हो गई और उसके बाद ये जो बीच वाली है तीन सिंगल क्रोशिया बनी है तो जो सबसे सेंटर वाली है दूसरे नंबर की उसने अपने वर्क को ऐड कर दी सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और पूरे वर्क को ओवर करेंगे तो ये देखिए यहाँ मैंने ये पूरा इसका मुड्ढा एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का दोनों तरफ का बना के रेडी कर लिया और अब आपको इसे सिल लेना है तो दोनों साइड्स इसके पहले सिल के रेडी कर लेंगे फिर इसकी जो बटन पट्टी है उसमें इसी डिजाइन को बनाया अब इसमें बटन पट्टी का पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे सीधी की तरफ से ही यहाँ पे बिल्कुल जो नीचे वाला कॉर्नर है देखिए जो नीचे का साइड है ना वहाँ पे धागे को पहले ऐड कर लीजिए सेम वैसे ही इसे भी बनाना है जैसे आम होल को बनाया था तो बटन पट्टी में भी सेम वैसे ही बनाना है पहले एक रो पूरी सिंगल क्रोशिया की बनानी है जैसे आम होल बनाया था वैसे वैसेम वैसे ही बनाना है इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है तो सेम वैसे ही जैसे उसमें बनाया था बीच में एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग करेंगे यहाँ एक चेन से एक चेन बना ली उसके बाद एक जो डबल क्रोशिया बनी हुई है एक इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर एक इसी के जॉइनिंग पॉइंट में बनाएंगे एक ये जो देखिए सिंगल क्रोशिया वाला है इसमें बनाएंगे अगेन ये डबल क्रोशिया है तो एक इसके बीच से बना लेंगे फिर इसी डबल क्रोशिया का ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वहां पर बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया में तो सेम वैसे ही जैसे आपने आम होल में किया था इसमें भी सेम वैसे ही करना है कुछ भी अंतर नहीं है इसमें तो इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया भी बनानी है उसके बाद फिर सेम वैसे ही इसमें भी चेन्स बनानी है पांच पांच चेन बना के उसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है फिर तीन सिंगल क्रोशिया बनानी है और उसे नौ नौ डबल क्रोशिया में फिल करना है तो इसे सेम ऐसे ही बना लें पूरा इसे इसी तरह से बना के रेडी करेंगे पूरे में सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे ऊपर तक बना लेंगे और उसके बाद जब ऊपर वाले पीछे वाले हिस्से में आएंगे ये देखिए यहां पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपका इतना पार्ट आपको सही लग रहा है गले के लिए तो पूरे में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लें और अगर आपको थोड़ी सी सिंगल क्रोशिया कम करनी है तो उसे बीच बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़ सकते हैं आप तीन या चार अगर कम करना चाहें अगर आप ऐसे करके देख के काउंट कर लें कि आपको इतना रखना है जैसे चार आपको कम करनी है सिर्फ इतना रखना है तो आप बीच में कहीं भी चार सिंगल क्रोशिया कम करके बनाए मीन्स एक छोड़ दी जैसे बनाते जा रहे हैं फिर बीच में एक छोड़ के दूसरे में बना लें फिर एक छोड़ के दूसरे में बना लें इस तरह से भी बना सकते हैं तो ये मैं पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको इसके बाद यहाँ मैंने पूरे में सिंगल क्रशा बना ली है और सिंगल क्रशा बनाने के बाद अब मैं इसमें सेम इसी बॉर्डर को बनाऊंगी जो मैंने यहाँ पे बनाया है बट अगर आपको बटन पट्टी और चौड़ी चाहिए तो आपने जो सिंगल क्रशा बनाई है उसी के ऊपर तीन राउंड बनाएं या फिर पाँच राउंड बनाएं मीन्स एंड में आपको रॉन्ग साइड पर ही आना है तो जितनी भी अगर आप चौड़ी बनाना चाहते हैं तो चौड़ी बना लें नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक सिंगल क्रशिया के पूरे राउंड बना के ही इसी वर्क को कर लें जो आपने आम होल में किया है मैं यहाँ पर एक में ही करूँगी इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं बनाऊँगी तो सेम इसीलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ तो सेम वैसे ही पहले दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव चैन बनाएंगे और उसके बाद देखिएगा वन टू थ्री तीन सिंगल क्रोशिया को स्किप करके फोर्थ वन में वर्क को अपने सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देंगे इस तरह से उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया तो टोटल तीन बैक टू बैक बनानी है फिर से वन टू थ्री फोर फाइव चैनस बनाएंगे फाइव चैन के बाद अगेन वन टू थ्री तीन सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिफ्थ तो वन में वर्क को ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से और उसके बगल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जस्ट बगल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो सेम ही प्रोसेस है जो आपने आर्म होल में किया है इसी तरह से चेंज बना लें चेंज बना के पूरे वर्क को ओवर कर लें और उसके बाद फिर जैसे आपने यहाँ पे नौ नौ डबल क्रोशिया से फिल किया है और बीच में ऐड किया है तो सेम इसी डिज़ाइन को आप इसमें भी बना लें मैं पूरा बना के फिर आपको इसका नीचे का बता दिया लेकिन यहाँ इस तरह से मैंने पूरा इसका बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है और अब सेम ही बॉर्डर आपको नीचे भी बनाना है तो नीचे बॉर्डर बनाने के लिए रॉन्ग साइड से धागे को ऐड कर लेंगे और सबसे पहले एक चैन से स्टार्ट करेंगे एक चैन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बना ली उसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग दो सिंगल क्रोशिया से करेंगे फिर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव चैन बनाएंगे और यहां देखिएगा एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया स्किप करके फोर्थ वन में वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे नेक्स्ट वन वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वन वाली जो उसके बगल वाली है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया तो टोटल तीन सिंगल क्रोशिया बनी है फिर से पांच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और यहां पे एक दो तीन स्किप करके फोर्थ वन में अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लीजिए नेक्स्ट वन वाली में भी इसी तरह से ऐड करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से ऐड करेंगे अगेन फाइव चैन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे एक एक दो तीन तीन स्किप करेंगे फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे और उसके बाद दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस पूरे रो को ऐसे ही हमें ओवर करना है पूरी नीचे की जितनी भी आपकी है वो ऐसे ही ओवर करें याद रखें कि इसे रॉन्ग साइड से ही बनाएं फ्रंट साइड से ना देखिए इस तरह पूरे से पूरे में मैंने ऐसे ही चैन बना ली और अब को यहीं से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जो चैन बनी है इसमें नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ और अगेन इसे ये जो सेकंड नंबर वाला है इसमें ऐड कर देंगे वर्क को एडजस्ट कर लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में फिर से देखिएगा ऐड इसे वहीं पे करना है जह, जहाँ पे दूसरे नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ दूसरे नंबर वाली ये बीच वाली है तो इसी में अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से नेक्स्ट वन वाली में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे एक फिर से नौ बनाएंगे इसमें तो इसमें यही करना है जितनी भी चेन आपने बनाई है उन सब में आपको नौ नौ डबल क्रोशिया बनाना है और बीच वाले में ऐड कर देना है इस तरह से ये रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी नौ डबल क्रोशिया बनाई और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे सेम प्रोसेस को फिर से नेक्स्ट वाली चेन में कंटिन्यू करेंगे नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाली में ऐड कर देंगे इसी तरह से पूरे में बना के इसे एंड तक की ले जाएंगे और वर्क को कम्प्लीट करेंगे तो ये देखिए यहाँ मैंने ये पूरा इसका नीचे का पार्ट बना के रेडी कर लिया है और अब ये जैकेट बन के रेडी है पूरी आगे इसमें आपको इसमें बटन लगा लेनी है बटन आप अपने हिसाब से लगाएं जैसे भी जहाँ भी लगानी है आप इसमें बटन्स लगा सकते हैं तो ये देखिएगा पूरी जैकेट बन के रेडी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है आई होप आपको ये जैकेट पसंद आएगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ कुछ नए डिज़ाइन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे